नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर उस व्यापारी से अपने दुकान जो बढ़ाकर जो जितने भी स्वर्ण आभूषण उनके दुकान के थे और जो भी बाजार का वो उनके दुकान का ये बिक्री था सारा कुछ वो पिस्तौल की नोक पर लूट लिया। और सबसे बड़ा ये है कि बीच बाजार में व्यस्ततम बाजार में गोली चलाते हुए जान मारने की नीयत से गोली चलाया। बाजार आज बिल्कुल असुरक्षित हो गया है और हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि ये बाजार को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए। और तब जब बाजार से थाना गया था तब लोग हम लोगों में भी आशंका। कितने राउंड फायरिंग की गई अपराधियों के द्वारा? अब ये सूचना मिली है कि 2-3 राउंड। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के बीच एक बार फिर अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना बकरी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित सेंट्रल बैंक चौक के समीप की है, जहां बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने सोमवार की देर संध्या करीब 8 बजे स्वर्ण व्यवसायी की मोटरसाइकिल से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण लूट लिए। साथ ही दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मुख्य बाजार के बीच फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस बीच अपहृत दुकानदार राजाराम स्वर्णकार शोर मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद बकरी एसडीपीओ चंदन कुमार मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की जांच की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बकरी मुख्य बाजार स्थित अमन ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर राजा राम स्वर्णकार अपनी दुकान बंद करके जेवर से भरा बैग अपने बाइक पर अपने पुत्र के साथ अपने घर सलोना जा रहे थे। इसी दौरान सेंट्रल बैंक के समीप बाइक सवार 3 की संख्या में नकाबपोश अपराध कर्मी ने पिस्टल के बल पर स्वर्ण व्यवसायी राजा राम से लूटपाट शुरू कर दी। इसके बाद अपराधी स्वर्ण जेवरात लूटने के बाद भाग गए। इस बीच व्यवसायी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में अपराधियों ने हवाई फायरिंग शुरू करते हुए बीच बाजार से भाग निकले। यह घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल इस घटना को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। बैंक के नीचे अमन ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है सोने चांदी की, राजा राम स्वर्णकार की, अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर सलोना जा रहे थे। इस बीच सेंट्रल बैंक के नीचे नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक दिखाकर फायरिंग करते हुए इनसे झोला छीन लिया और यह अंदाज लगाया जा रहा है उसमें सोने चांदी के ज्वेलर्स है और इनके साथ भारी मात्रा में छीनतरी की घटना हुई। अपराधियों के द्वारा कितने राउंड फायरिंग की गई है? 3 राउंड फायरिंग की सूचना है। बीच बाजार में इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है और व्यवसायियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। पुलिस अब तक आई है कि नहीं? पुलिस अभी तक नहीं आई है। मेरे द्वारा सूचना 8:42 में दिया गया है पहली सूचना, लेकिन पुलिस आई नहीं है। अभी बात हुई है पुलिस से तो उनका कहना है कि हम लोग बहादुरपुर मोड़ पर और सुगा रोड में तलाशी ले रहे हैं और मोटरसाइकिल को पकड़ रहे हैं। कितने की लूट की संभावना है? संभावना इनका पूरा पूंजी उसी में था, क्या लूट हुआ है 10-15 लाख की लूट की संभावना है। और इस तरह की घटना हमारे इस मोहल्ले में लगातार 1 सप्ताह के अंदर 2 घटना। 1 सप्ताह पहले मोटरसाइकिल से 2,35,000 निकाला गया, अभी इस मोहल्ले के अंदर ही मुख्य बाजार में यह घटना हुई है।